तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पैनिंग ट्रीज को, क्या होता है स्पैनिंग ट्री, डेफिनेशन वाइज देखेंगे, उसके बाद लॉजिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे, और भी दो तीन चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पैनिंग ट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टर्म है स्पैनिंग ट्री, इसको क्यों कहा गया सबसे पहले, और उसी के साथ साथ क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं स्पैनिंग ट्री के अंदर, ये देखेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ स्पैनिंग ट्री क्या होता है और स्पैनिंग ट्री किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ सब ग्राफ के बारे में। एक सब ग्राफ क्या होता है, जब हम सब ग्राफ की बात करते हैं, किसी भी ग्राफ जी के सब ग्राफ को किस तरह से निकाला जाता है, तो एक सब ग्राफ जी इज अ ग्राफ हूज वर्टिसेस एंड एजेस आर सबसेट्स ऑफ ओरिजिनल ग्राफ जी। यानी कि अगर मेरा ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ मेरा ये जी है, तो यहाँ पर मेरे सब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। एक तो सब ग्राफ मेरा ये बन सकता है कि भाई मैं जीरो यहाँ पर ले लूँ, फिर उसके बाद वन को मैं यहाँ पर ले लूँ, फिर इसके बाद मैं थ्री को यहाँ पर ले लूँ, ये मेरा एक सब ग्राफ हो गया। ठीक है, तो देखो जो वर्टिसेस यहाँ पर है इस वाले ग्राफ में, वो उनमें से कुछ यहाँ पर भी होंगी। मैं अगर इसको एस कह दूँ और इसको जी कह दूँ, ये मेरा एस है और ये तो जी मैंने यहाँ पर शो कर ही रखा है, तो जो जी की वर्टिसेस होंगी उनमें से कुछ वर्टिसेस एस के अंदर होंगी, और जो जी में हमारी एजेस होंगी उनमें से कुछ एजेस हमारे पास एस के अंदर भी होंगी। ठीक है, तो आई होप कि सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर होगा आप सभी लोगों को। अब यहां पर देखो कि अगर मैंने ये वाला एस बनाया, मान लो इसको मैं एस वन कह देता हूँ, ठीक है, और मान लो इसके बाद मैं एक एस टू बनाऊँ, ठीक है, एक मैं एस टू बनाऊँ कुछ इस तरह का, मैं थोड़ा यहाँ पे ब्लैक कलर से बना रहा हूँ एस टू को, मैं कहूँ थ्री और मैं कहूँ टू और मैं कहूँ फोर, और मैं थ्री टू और फोर को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दूँ, जो कि यहाँ पर भी हो रखा है। ये देखो ये कनेक्शंस हमारे ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर भी मौजूद है। अब क्योंकि ये सारे कनेक्शंस ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर भी मौजूद हैं और ये एस टू के अंदर भी मौजूद हैं, तो जो हमारी एजेस ग्राफ जी के अंदर है उनमें से कुछ एजेस हमारी एस टू के अंदर आ रही है, और इसी के साथ साथ जो हमारी वर्टिसेस हैं, जो हमारे नोड्स हैं, ये देखो थ्री है, टू है, फोर है, वो इस ग्राफ जी में भी मौजूद है, तो ये एक सब ग्राफ हो गया। आपने सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैथ्स में, बिल्कुल वही चीज है, एक तरह से समझ लो। और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि भाई ये होता है हमारा सब ग्राफ। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि भाई जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है उसमें से हमारे कुछ नोड्स आने वाले हैं और उसमें से कुछ हमारी एजेस आने वाली है। बहुत सिंपल एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा अब कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ्स के बारे में, कि भाई कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है और कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कनेक्टेड ग्राफ की। कनेक्टेड यानी कि ये कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन अगर आप लोग देखो तो कनेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ दैट इज कनेक्टेड इन द सेंस ऑफ अ टॉपोलॉजिकल स्पेस। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ पाथ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट ऑन द ग्राफ। यानी कि अगर आपने दो पॉइंट पकड़ लिए तो उस जगह से दूसरी जगह पर आप पहुंच सकते हो। देयर इज अ रास्ता, देयर इज अ वे दैट एग्जिस्ट्स। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ कोई भी दो पॉइंट्स, मान लो मैं यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर जीरो पकड़ लेता हूँ, एक तो ये हो गया मेरा, मान लो इसको मैं P1 कहता हूँ, ये मेरा पहला पॉइंट है, और एक ये हो गया मेरा, इसको मैं P2 कह देता हूँ। ठीक है, तो P1 P2 को अगर मैं पकड़ता हूँ तो क्या मैं P1 से P2 तक पहुँच सकता हूँ? मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाऊँगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाऊँगा, और फाइनली मैं P2 में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मैं आ सकता हूँ। एक दूसरा रास्ता कुछ इस तरह से हो सकता है, ये और फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो एक से ज़्यादा रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज़ अ वे दैट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट आप ग्राफ में पकड़ लो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आप पहुंच सकते हो सारे पॉइंट्स के लिए, तो वो ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वो एक कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब ये बात हम लोगों ने समझ ली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो उसको हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कह लेते हैं। ठीक है, तो एनी ग्राफ दैट इज नॉट कनेक्टेड इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग जो है पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ की बात की गई है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ एक सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है इन विच एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय अ यूनिक एज। इस चीज़ की क्या बात हुई, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ। ठीक है, इस कंप्लीट ग्राफ के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। मान लो मेरे पास सिर्फ दो नोड्स है ग्राफ में, ठीक है, और तीन ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, मैंने 0, 1, 2 नहीं 0, 1, 3 लिखा, क्योंकि वो नोट्स को मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो 0, 1, 3 तीन नोट्स मैंने ले लिए। ठीक है, मैं हर नोट को हर नोट से कनेक्ट करूँगा,
हर नोड को हर नोड से, क्या मैंने हर नोड को हर नोड से कनेक्ट किया? हाँ किया। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हो कि एक कंप्लीट ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसको मैं कंप्लीट ग्राफ कह दूंगा, ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं चार नोट्स लेता तब क्या होता, मान लो मैं 1 2 3 4 नाम के चार नोट्स लेता, एक 1 1 2 1 3 और इसके बाद 1 4, कुछ इस तरह से। अगर मैं चार नोट्स लेता, 1 को मुझे सारों से कनेक्ट करना है, ठीक है, 2 को भी मुझे सारों से कनेक्ट करना है, 2 ऑलरेडी एक से तो कनेक्टेड है ही, इससे भी करूंगा, इससे भी करूंगा, फिर 3 को भी मुझे सारों से करना है, 3 1 और 2 से तो है ही, 4 से भी कर देता हूँ, 4 को मुझे सारों से करना है और 4 सारे नोट से कनेक्टेड है। तो ये है एक कंप्लीट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ विद 4 नोट्स या फिर वर्टिसेस, ठीक है। इसी तरह से कंप्लीट ग्राफ बनाया जा सकता है विद 5 नोट्स, विद 6 नोट्स, विद 7 नोट्स, इवन विद 100 नोट्स, अगर आपके पेपर में जगह हो, और कंप्यूटर में तो बनाया ही जा सकता है, ठीक है, और बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने कनेक्टेड ग्राफ समझ लिया क्या होता है, हमने कंप्लीट ग्राफ समझ लिया क्या होता है। अब मैं एक क्विज आप लोगों को, जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों से चाहता हूँ, क्या ये जो ग्राफ मैंने ऑरिजिनली यहाँ पर बनाया था, मैं जल्दी से ना सारी की सारी पेन से जो मार्किंग है उसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर, जो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया था ऑरिजिनली, क्या ये ग्राफ जो था ये एक कनेक्टेड ग्राफ था, ये आप लोगों को बताना है, और क्या ये कंप्लीट ग्राफ है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0 1 3 2 4 5 6 ये जो नोड्स है किस तरह से कनेक्टेड है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत ही क्लियरली, 3 और 1 कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो 3 और 1 है, ठीक है, ये नॉट कनेक्टेड है, मैं आप लिख देता हूँ बीच में, नॉट कनेक्टेड, ठीक है, 3 और 1 कनेक्टेड नहीं है। ये आपको एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया, मुझे नीचे कमेंट में सब लोग बताओ इसका आंसर और इसका आंसर, मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप सबसे चाहिए, क्या ये कनेक्टेड ग्राफ है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है, और यार सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसका आंसर जल्दी से नीचे दे दो, ठीक है। तो अगर ये कनेक्टेड ग्राफ होगा तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के रास्ते एग्जिस्ट करते होंगे हर 2 पॉइंट्स के, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट्स इस ग्राफ में ले लिए जाएं तो एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, 0 7 जाया जा सकता है, 2 जाया सकता है, 3 4 5 6। आई होप यू हैव इनफ क्लियर, मैं नीचे चाहता हूँ सब लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये जो ग्राफ जी है, इसका नाम मैं जी रख रहा हूँ, ठीक है, और ग्राफ जी इसका नाम ना ग्राफ, इस ग्राफ का एक नाम दे देते हैं, गॉन रख देते हैं इस ग्राफ का नाम, ठीक है। क्या गॉन एक कंप्लीट ग्राफ है, क्या गॉन एक कनेक्टेड ग्राफ है, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना, ठीक है। अब ये स्पेलिंग ट्री क्या होता है ये चीज देख लेते हैं, कोई भी एक ग्राफ जी का सब ग्राफ क्या होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, तो इसमें तो कोई अभी डाउट है ही नहीं, ना ही कोई सवाल होगा आपका, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग ट्री क्या होता है इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे अब, कि एक स्पेलिंग ट्री कब होता है कोई भी एक ट्री। तो यहाँ पर देखो, एक कोई भी कनेक्टेड सब ग्राफ एस ऑफ ग्राफ जी VE, वो एक कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और वो G का सब ग्राफ होना चाहिए। ये पॉइंट जो है आप बहुत ध्यान से देखो, अ कनेक्टेड सब ग्राफ S ऑफ ग्राफ G VE इज सेड टू बी अ स्पैनिंग ट्री। वो एक स्पैनिंग ट्री होगा, कौन स्पैनिंग ट्री होगा, कनेक्टेड सब ग्राफ, सबसे पहले तो सब ग्राफ हो, उसके बाद कनेक्टेड हो, ये 2 कंडीशंस हो गई। उसके बाद भी कुछ कंडीशंस और उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी स्पैनिंग ट्री बनने के लिए। सबसे पहले तो जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था उसकी सारी की सारी जो वर्टिसेस हैं, यानी कि जो उसके नोड्स हैं, वो प्रेजेंट होने चाहिए एस के अंदर, और नंबर ऑफ वर्टिसेस जो कि स्पैनिंग ट्री में होंगे वो होंगे 1 कम हमारे ओरिजिनल ग्राफ की वर्टिसेस से, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए एक ग्राफ का, अगर मुझे लेट अस से एक स्पैनिंग ट्री बनाना है ग्राफ का, तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इतनी खतरनाक डेफिनेशन है यार, मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा स्पैनिंग ट्री। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कितनी सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बनाता हूँ, कुछ नोट्स बनाने के बाद आपको दिखाऊंगा ये चीज़ कितनी आसान है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, इनको कनेक्ट कर दूंगा आपस में, ठीक है, और मैं एक एक करके सारी कंडीशंस आप लोगों से पूछूंगा सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो, चीज़ों को सिंपल करने के लिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो एक मैंने ग्राफ बना रखा है, इसको मैं जी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं जी मान लेता हूँ, और एक और मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि जो ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है क्या ये एक स्पैनिंग ट्री है कि नहीं, ठीक है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो मैं कुछ कनेक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ, नोट दैट 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, मैंने उनको कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3 ये हमारा जी था, ये एस है। अब एक एक करके सारी कंडीशंस पर आ जाते हैं, क्या जो एस है वो जी का सबग्राफ भी है कि नहीं है, ये बताओ सबग्राफ है कि नहीं है, येस या नो आप बताओगे
तो यस यार है, सब ग्राफ तो है, क्योंकि जो उसके नोड्स हैं वो मौजूद हैं जी में भी, और इसकी जो एजेस हैं वो मौजूद हैं जी में भी। तो जी की कुछ एजेस उठा ली हैं, जी के कुछ नोड्स उठा लिए हैं, सब ग्राफ तो भाई है। इसके बाद दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड है कि नहीं है। अरे कनेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ बताया था ना, देयर इज अ पाथ फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इन द ग्राफ, ठीक है। क्या कनेक्टेड है, यस या नो। जीरो से थ्री जा सकता हूँ, वन जा सकता हूँ, टू जा सकता हूँ। वन से जीरो जा सकता हूँ, टू थ्री जा सकता हूँ। टू से जीरो जा सकता हूँ, वन भी जा सकता हूँ, थ्री भी जा सकता हूँ, थ्री से भी कहीं भी जा सकता हूँ। तो यस यार कनेक्टेड भी है, ठीक है, सब ग्राफ भी है, कनेक्टेड भी है। तो जो पहले दो वर्ड थे डेफिनेशन के वो तो सेटिस्फाई हो गए। अब कनेक्टेड सब ग्राफ, एक कनेक्टेड सब ग्राफ है और ग्राफ जी, हमारे ग्राफ जी का कनेक्टेड सब ग्राफ है, ये एक स्पैनिंग ट्री है कि नहीं। इसके लिए जो कंडीशंस हैं इफ एंड ऑनली इफ वाली, उनको भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। ऑल वर्टिसेस ऑफ जी मस्ट बी प्रेजेंट इन एस, क्या सारी वर्टिसेस प्रेजेंट हैं, क्या जीरो वन टू और थ्री ये चारों की चारों वर्टिसेस यानी कि जो नोड्स हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे एस में। हाँ यार है, यस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंडीशन वन, कंडीशन वन जो ऊपर डेफिनेशन में लिखी गई है सेटिस्फाई हो गई। क्या कंडीशन टू सेटिस्फाई हुई, आप लोग मुझे बताओ देखकर, कंडीशन टू सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। इस वीडियो को आप पॉज करो, मुझे बताओ कंडीशन टू सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई। क्या नंबर ऑफ एजेस जो कि एस के अंदर है वो वी माइनस वन है कि नहीं है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, जो वी माइनस वन इस ग्राफ के लिए होगा वो कितना होगा, वो थ्री होगा, ठीक है। क्या इसमें तीन एजेस हैं, तीन एजेस हैं इसमें या नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात यार, हैं दिख रही है, ठीक है। तो ये एज नंबर वन है, ये एज नंबर टू है, ये एज नंबर थ्री है, ठीक है। और एज ये पूरी की पूरी है, मैं ज़रा अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए हो तो मैं ज़रा बता दूँ, एक एज ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, ठीक है, तीन एजेस हैं, ठीक है। और ये तीन एजेस हैं और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये सारी कंडीशंस एज अ होल सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो क्या ये एक स्पैनिंग ट्री है, यस एस इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ जी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का स्पैनिंग ट्री सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। इनफैक्ट कभी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाना है, आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बना दो, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो ग्राफ उठाना है, और वो ग्राफ उठाने के बाद आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो उसके सारे की सारे जो नोड्स हैं वो उठा लें, क्योंकि कंडीशन कहती है कि सारी की सारी वर्टिसेस प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, सारी एजेस उठा के रख दें और उसके बाद एक एज को हटा दें, ठीक है, क्योंकि बी माइनस वन एजेस होनी चाहिए, ठीक है। ये काम करने हैं आपको, और ये करने के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ग्राफ आपका एक तो सब ग्राफ हो, जो एस हो सब ग्राफ हो, और कनेक्टेड भी हो, कनेक्टेड भी होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक ऐसे सब ग्राफ का जो कि कनेक्टेड ना होने की वजह से एक स्पैनिंग ट्री नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ आपको मैं, मान लो ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसको मैं एस डैश मान लेता हूँ, ठीक है। क्या एस डैश एक स्पैनिंग ट्री है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग कहोगे कि यार यहाँ पर वन टू थ्री फोर, इनको फिर से चेक करते हैं, ठीक है। और इस बार मैं कलर जरा दूसरा ले लेता हूँ। क्या एक सब ग्राफ है, सब ग्राफ, लो सब ग्राफ ही नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है, ये सब ग्राफ ही नहीं है। तो अब क्योंकि ये सब ग्राफ ही नहीं है तो यहीं पर ये स्पैनिंग ट्री नहीं है, और अगर सब ग्राफ ये होता भी तो ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। क्या कंडीशन वन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल वर्टिसेस ऑफ जी मस्ट बी प्रेजेंट इन एस, हाँ कंडीशन थ्री सेटिस्फाई हो रही है। क्या कंडीशन टू सेटिस्फाई हो रही है, नंबर ऑफ एजेस इज वी माइनस वन, हाँ ये हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी इंश्योर करना है कि ग्राफ कनेक्टेड रहे और एक सब ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज फॉर कंप्लीट ग्राफ्स। अगर हमारे सामने कंप्लीट ग्राफ्स आ गए तो कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे कंप्लीट ग्राफ से, ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है एन टू द पावर एन माइनस टू, एंड ये एन माइनस टू इस तरह से है, ठीक है। वैसे तो मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद भी मैं बता देता हूँ, ये ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, एन टू द पावर एन माइनस टू। ऐसा नहीं है एन टू द पावर एन ऊपर है और माइनस टू नीचे है, वैसे मैंने बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है लेकिन तब भी, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ हैज एन टू द पावर एन माइनस टू स्पैनिंग ट्रीज वेयर एन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ, ठीक है। अब ये चीज़ जो है एज अ फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है और आप लोगों से एक्सपेक्टेड भी कभी कभी होता है ये, अगर आप लोग एक डीएसए के एक्सपर्ट हैं और आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों से कभी कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट भी की जाती है कि आप इन चीज़ों को याद रखें, ठीक है।
तो मैंने कुछ क्विक क्विजेज यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी हुई हैं, और उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग एक कंप्लीट ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है और इसके हमें स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं तीन। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ तीन स्पैनिंग ट्रीज इसके। पहला स्पैनिंग ट्री जो मैं बनाना चाहूँगा वो तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो, सबसे पहली कंडीशन को सेटिस्फाई मैं करूँगा, और पहली कंडीशन क्या है कि जो इसके नंबर ऑफ नोड्स हों वो कुछ इस प्रकार से हों कि सारे के सारे नोड्स मौजूद हों मेरे एस में। ठीक है, इसके बाद मैं सारी की सारी एजेस बनाऊंगा एक्सेप्ट द वन। ठीक है, तो मैं ये इस तरह से बना दूंगा, और एक ये मेरा एक स्पैनिंग ट्री ये बन गया। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम करूँगा, और जो ज़ीरो था और वन था, टू थ्री, उनको दोबारा से ऐसे ही बनाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस बार क्या करूँगा, आप लोग देखो, इस बार मैं इसको कनेक्ट करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा। लगता है मैंने यहाँ पर मार्किंग थोड़ी गलत कर दी, मार्किंग ठीक करनी होगी यार, मार्किंग ठीक करनी होगी, कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्किंग भी ठीक करूँगा और आंसर भी ठीक निकालूँगा। ठीक है, थ्री और यहाँ पर टू। ठीक है, अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारी की सारी ये जो हमारी एजेस हैं वो बना रहा हूँ एक्सेप्ट द वन। ठीक है, एक्सेप्ट द वन, टू और थ्री को कनेक्ट करने वाली मैं नहीं बना रहा हूँ। सिमिलरली एक तीसरा स्पैनिंग ट्री किस तरह से दिखेगा, एक तीसरा स्पैनिंग ट्री कुछ इस तरह से दिखेगा, मैं ये मिटा लूँ यहाँ पर, तीसरा स्पैनिंग ट्री भी बना देता हूँ, ज़ीरो वन, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर थ्री और यहाँ पर टू। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और काटा। ठीक है, ये लो जी, एक और बन गया। ठीक है, तो ये S1, ये मेरा S2, ये मेरा S3। ठीक है, तो ये मेरे तीनों स्पैनिंग ट्रीज बन गए। ठीक है, मज़ा आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया स्पैनिंग ट्री क्या होता है, और आप लोग को ये भी समझ में आ गया कि क्या होता है हमारा कंप्लीट ग्राफ, क्या होता है हमारा कनेक्टेड ग्राफ, और ये सारी की सारी चीज़ें आई होप मैं आपको फील करा पा रहा हूँ। अगर मैं आपको फील करा पा रहा हूँ, मुझे बताओ कमेंट के अंदर, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं और मैं जो आगे पूछने वाला हूँ वीडियोस में, उनके आंसर प्लीज़ ज़रूर करना, इससे एक जो कनेक्शन रहता है वो बन के रहता है। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए, DSA की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।